जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बंद बाजार अब फिर से खुल गए हैं। बाजार 2 महीने के बाद खुले हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 4 के तहत कुछ ढील दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जिला जम्मू को ऑरेंज जोन में रखने के बाद दी गई रियायतों के साथ आज बाजार 60 दिन के बाद खुल गए हैं। पुरानी मंडी, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, रघुनाथ बाजार, परेड, जहां लॉकडाउन के बीच वीरानगी दिख रही थी, आज वहां फिर से सजे बाजार दिख रहे हैं। ग्राहकों की रौनक कम है, परंतु दुकानदार इसी बात से काफी उत्साहित हैं कि करीब 2 महीनों के बाद ही सही उनकी रोजी रोटी का साधन तो शुरू हुआ। दुकानदारों का कहना है कि अब बाजार खुल गए हैं तो ग्राहक भी आ जाएंगे। यहां आपको बता दें कि सुबह 9 बजे शटर खुलने के बाद सबसे पहले दुकानदारों ने अपनी दुकानों में साफ सफाई की। 2 महीनों से बंद पड़ी दुकानदारों में काफी कुछ सामान खराब हो गया था। कपड़ों, मिनियारी, फुटवेयर, ड्राई फ्रूट की दुकानों पर चूहों ने काफी नुकसान किया हुआ था। हेल्परों की मदद से सबसे पहले दुकानों को साफ किया गया और फिर सामान को सजाया गया। बड़े दुकानदारों ने नियमों के मुताबिक आज पहले दिन कम स्टाफ को बुलाया था। दुकानदारों का कहना था कि इतने दिन बाद दुकानें खुली हैं, 2 से 3 घंटे तो साफ सफाई में ही चले गए। बाजार सज चुके हैं और अब ग्राहकों के आने का इंतजार है। परंतु इन सब के बीच उन्होंने प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई हिदायतों का भी पालन करने की बात कही है। आपको बता दें कि दुकानों की सफाई करने के उपरांत दुकानों के बाहर शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए गोले बनाए गए। दुकान मालिकों ने सभी हेल्परों को सबसे पहले ग्राहकों से उचित दूरी बनाए रखने और शारीरिक दूरी का अनुपालन करने की नसीहत दी। दुकानदारों द्वारा खास तौर पर बताया गया कि एक समय में केवल 1 या 2 ग्राहकों को निपटाने के उपरांत ही दुकान में अन्य ग्राहक को आने की अनुमति दी। कुछ दुकानदारों ने बकायदा दुकान के प्रवेश द्वार पर हेल्पर को सैनिटाइजर देकर खड़े रखा है ताकि ग्राहक दुकान में प्रवेश करने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज कर सके। कुछ दुकानदारों ने तो बिना मास्क पहने खरीदारों को मास्क भी दिए, जबकि कुछ ने दुकानों में साफ तौर पर यह चस्पा रखा है कि बिना मास्क पहने ग्राहक को दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रशासन ने दुकानदारों को साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि जो भी दुकानदार शारीरिक दूरी और कोरोना संक्रमण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी प्रमुख बाजारों में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ बाजार के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने अपने बाजारों में इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। आपको बताते चले कि अभी सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ट्यूशन व कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, बार, सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, सैलून, पार्लर, नाई की दुकान सभी बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे। वहीं गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक बुजुर्ग व 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है 4 ब्लॉक लॉकडाउन में, हमें कुछ रियायतें मिली हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमने 62 दिन के बाद अपना बाजार, अपना जम्मू शहर हरा भरा देखा है, कस्टमर का आना शुरू हुआ है। ये कंटिन्यू तभी रहेगा जब हम उनको गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको ओबे करेंगे। जो सोशल डिस्टेंस का उन्होंने एक नियम रखा है उसको हर नागरिक को बड़े हंसी से कबूल करना चाहिए और उसको ओबे करना चाहिए ताकि हमारी एक छोटी सी गलती के साथ हमारे साथी को, हमारे पड़ोसी को, हमारे राह गुजर को वो खुलमैदाना बरतना पड़े जो हम जो अस्पतालों में इसकी रेशो देख रहे हैं। अगर हम बिल्कुल प्रॉपरली सही ढंग से चलेंगे तो मैं समझता हूँ
जो गवर्नमेंट को इसका एक तरह का सूचना जाएगी तो इसको टाइम बढ़ाने में भी वो हमारी मदद करेंगे। अगर हमारा कहीं ना कहीं लैप्स रहा तो मैं समझता हूँ कि टाइम जो उन्होंने दिया है इसको उनको काट करना पड़ेगा। अगर हम इसको बिल्कुल सोशली करके चलें तो गवर्नमेंट इसको बढ़ाने की सोच सकती है। और जहाँ तक मेरा फर्ज है, हमारा जो अपना फ्रेंड सर्कल है, सो सोशल सिस्टम है, उसको यही हम अवेयर करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें ताकि जो ईद के दिन है, जो शादियों के दिन है, तो हम कस्टमर दुकानदार भाइयों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके, ताकि हम कोई गलती नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक अच्छी तरह तैयार होकर के हमें और रियायतें देगी, हम और इसको फुलफिल एंजॉय करेंगे, जो आने वाले कल को हमारे को हमारे समाज को हमारे घर के परिवार के सदस्यों को एक अच्छी दिशा में लेके जाएगा। सुरेंद्र महाजन, प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। सर क्या कहेंगे दो महीने के बाद ये मार्केट लिया? देखो, कल एडमिनिस्ट्रेशन की ने इसकी परमिशन दी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने ये परमिशन दी है। और अब लोगों का फर्ज बनता है इसका कैसे पालन करना है। अगर लोग इसका पालन करेंगे तो ये आगे भी हमारी दुकानें खुली रहेंगी, हमें दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, बाहर कोई भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए, रोड साइड गाड़ियाँ नहीं पार्क होनी चाहिए, ये सारा पालन करना हमारा फर्ज है, हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। अब लोग अगर इसका पालन करेंगे इस चीज़ों का, जम्मू में इस महामारी का कोई कुछ असर नहीं होगा। ये अब ड्यूटी जो बनती है लोगों की बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, अब पब्लिक ने ही अपना काम करना है। अगर पब्लिक इसका सही तरीके से पालन करेगा करेंगे तो इससे कुछ नहीं हो सकता। क्या मैसेज देंगे सर आम लोगों को, आम जनता को? मैं सबको कहता हूँ, एक अपना छोटा सा सुझाव देता हूँ कि लोग घरों से ज़्यादा कम बाहर निकले, कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी हो तो आए, और बाज़ारों में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, जो कस्टमर आए उनके सैनिटाइजर देना चाहिए उनको, और उनसे दूरी रख के अपना काम करना चाहिए, जिससे ना कोई कस्टमर पे कुछ असर पड़े ना खुद पे असर पड़े। कहते हैं जान है तो जहान है, हमें खुद अपनी रक्षा भी करनी है और कस्टमर भी देखने हैं और अपनी रक्षा भी करनी है, ये हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। जम्मू में मार्केट खुल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका नाम? सर नीरज गुप्ता। तो ये है सर कि बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये तकरीबन बिजनेस कम्युनिटी थी वो काफ़ी देर से इंतज़ार में थी कि कब ये बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो, क्योंकि काफ़ी देर से जैसे हमारे विंटर्स की हम अगर बात करें, अपने रेडीमेड गारमेंट्स की ही बात करें, हमारे पास विंटर का स्टॉक भी था, समर का भी अभी तक पूरा फ्रेश जो है अराइवल्स नहीं आए हुए थे, तो उस वजह से काफ़ी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ी। अब ये खुशी की बात तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ जो है मेजरमेंट्स जो हैं वो अपने लिए डिसाइड करनी होंगी, कुछ जो स्टेप्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं या पर्सनल जो लोगों की तरफ से भी हमें व्यूज़ मिलते हैं उनको हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे कि विदाउट मास्क है, मैं हूँ या मेरे जो भी सब में साथी हैं, हम सब विदाउट मास्क जो हैं वो हम अपने शॉप्स के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, सैनिटाइजेशन हम प्रॉपरली कर रहे हैं, प्लस हम कस्टमर से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कस्टमर आता है वो एक तो विदाउट मास्क जो है वो एंटर ना करे, दूसरा ये हो गया कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का उतना ही प्रेस करे जैसे कि हम लोग करेंगे, क्योंकि उस वजह से ये हो गया कि उनके लिए भी सहूलत होगी और हमारे लिए भी सहूलत रहेगी। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जैसे दो महीने के बाद आज मार्केट खुली है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम पवन गुप्ता है और अप्सरा रोड से हम बोल रहे हैं। आज दो महीने के बाद दुकानें खुली हैं, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि दो महीने से घरों में बंद पड़े थे, तो आज थोड़ा आए हैं मार्केट में तो देख के बाज़ार खुला हुआ देख के लोगों को देख के थोड़ी खुशी हो रही है। और इसके साथ ही हमने ये दुकान पे ये सैनिटाइज़र वगैरह रखे हुए हैं ताकि, और ये मास्क भी रखे हुए हैं कि कोई अगर कस्टमर विदाउट मास्क आता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करेंगे। तो साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए हम कस्टमर्स का वेलकम करेंगे और आपका भी वेलकम करते हैं। सर ये लोगों को आप क्या अपील करना चाहोगे कि जब आपकी शॉप पे आएँ या मार्केट में आएं? यही कि मास्क पहन के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अपना ही बचाव है, ये आप किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनेंगे तो ये बीमारी ऐसी है इनविजिबल है कि पता नहीं किसको लग जाए, कैसे हो जाए,
इसलिए जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग और ये सैनिटाइज़र मास्क वगैरह यूज़ करेंगे तो उतना सेफ रहेंगे और अपने लिए ही अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.